एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स एंड दैट मैटर पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स दैट पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स फॉर एग्जाम्पल टेक योर सेल्फ वी आर मेड अप ऑफ सेल वी आर मेड अप ऑफ सेल हम लोग किसके बने हुए हैं सेल्स के बने हुए हैं तो हम लोग की अगर सेल के बारे में स्टडी करोगे तो आप ये पता चलेगा कि हम लोग की जो सेल्स होती है ये भी एट लास्ट एटम से ही मिलकर बनी हुई है क्योंकि आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है उसमें आपको पता है कि सेल वाल हम लोग वी आर मेड अप ऑफ सेल बट सेल भी अगर देखोगे सेल की भी स्टडी करोगे तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं उनको भी स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि एट लास्ट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम एट लास्ट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज रिटन ऑन योर स्क्रीन इज दैट मैटर मेड अप एवरी नॉन लिविंग थिंग अराउंड अस सच एज टेबल्स चेयर्स वाटर But the building block of matter are atoms. Because you see, lots of things. आपके आसपास chair हैं, आपके आसपास बहुत सारे water है, tables हैं, lots of things हैं. लेकिन अगर आप उनके building block, सबसे smallest entity की बात करोगे, if you talk about the smallest entity, you will come to know that they are made up of atoms. They are made up of atoms. So thus composition of every living or non-living is atom. तो चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो सबके सबका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है एटम तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टडी अबाउट द एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ कमिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सो सबसे पहली थ्योरी जो हमारे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एरा में के एरिया में आई वो थी डाल्टन्स थ्योरी वो कौन सी थ्योरी थी डाल्टन्स थ्योरी डाल्टन ने ये बताया था कि एवरी पार्टिकल एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर तो हियर इट इज रिटन दैट ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम एटम्स आर इंडिविजिबल मींस यू कैन नॉट डिवाइड एटम यू कैन नॉट ब्रेक एनी एटम इट मींस एटम इज द स्ट्रक्चरलेस It means atom is structureless. It does not have any structure because it is a smallest entity and no, it cannot be broken into other smaller parts. This is as per Dalton's atomic theory and it is indestructible means you cannot break it. All atoms of a given element are identical in mass and property. For example, if you talk about iron, agar aap baat karoge iron, to sare atom usme iron ke honge. ठीक है और सारे आयरन के एटम जो होंगे आइडेंटिकल होंगे उनका मास भी सेम होगा प्रॉपर्टीज भी सेम होगी लेकिन डिफरेंट एटम की बात करो अगर आप आयरन की बात कर रहे हो और डायमंड की बात कर रहे हो और आप किसकी बात कर रहे हैं डायमंड की तो आप देखिए डायमंड कार्बन के मिलके से मिलके बना हुआ है और आयरन शीट आयरन से मिलके बनी हुई है तो दोनों अलग अलग एटम है तो मतलब अलग अलग हम लोग के अगर एलिमेंट होंगे तो उनके एटम्स भी अलग अलग हो जाएंगे Next is compounds are formed by combination of two or more different kind of atoms. अब compound कैसे बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा different kind के atoms आपस में combine करते हैं तो compound का formation होता है जैसे for example CO2. यहाँ पे एक कार्बन के एटम और दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइंड होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको कहते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर देखो कार्बन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है तो दो अलग अलग एटम है जो कि पार्टिसिपेट कंबाइन हो रहे हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं अगला जो इनका स्टेटमेंट था वो ये था कि जो एटम्स होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप ही केमिकल रिएक्शन होती है उनका रीअरेंजमेंट होता है जिसकी फलस्वरूप केमिकल रिएक्शन होती है फॉर एग्जाम्पल 2H2+O2 ये रिएक्शन करके वाटर बना रहा है ठीक है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये है आपके दो हाइड्रोजन का एटम इसमें होगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटम होगा ये दोनों कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है अभी यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए थे और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए थे ठीक है लेकिन अब यहाँ पर ये ब्रेकेज हुआ और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हुआ जिसके फलस्वरूप वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो केमिकल रिएक्शंस में ऑल केमिकल रिएक्शंस में एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनका क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है उनका क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है जिसके फलस्वरूप केमिकल रिएक्शन होती है द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ
Dalton's theory is that atom of each element is ultimate particle, means you cannot break it and it is structureless. So this one is very important. So देखो Dalton ने अभी तक ये बता दिया कि atoms क्या है, structureless है. Atoms are structureless. Atoms are structureless. अब इनको divide नहीं कर सकते हैं. तो structure of atom chapter का कोई औचित्य ही नहीं है. अगर हम लोग के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अगर सही है, सो व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि एटम क्या कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, इट इज स्ट्रक्चरलेस. लेकिन ये थ्योरी 19th सेंचुरी में रिजेक्ट कर दी गई. ये थ्योरी क्या है, 19th सेंचुरी में रिजेक्ट कर दी गई. So this theory was rejected in 19th century. So in 19th century, what happened? In 19th century, what happened? There were three scientists. There were three scientists named, name is given. I'm writing in here still. My name is given Thomson, Rutherford, and Chadwick. ये तीन साइंटिस्ट थे. इन तीन साइंटिस्ट ने ये बताया कि हर एटम जो होता है छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है. और थॉमसन ने खोज कर दी इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने खोज कर दी प्रोटॉन की, और चैडविक ने खोज कर दी न्यूट्रॉन की. अब ये हुआ कि एटम तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इट मींस एटम इज हैविंग स्ट्रक्चर. अगर कोई चीज पार्टिकल से मिलकर बनी है, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट भी एटम के अंदर होगा, उसका एक डेफिनेट अरेंजमेंट भी उनका होगा. तो बाय यूजिंग दिस डेफिनेट एंड डेफिनेट अरेंजमेंट, बाय यूजिंग दिस डेफिनेट अरेंजमेंट, We are forced to study structure of atoms. तो अब Dalton's की थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है. अब Dalton's की थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है और अब ये माना जाता है कि एटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं. ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल है. क्या है, स्टेबल. ये चाहे एटम के अंदर रहे चाहे एटम के बाहर रहे, ये हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. They either present inside the atom or outside the atom. Always they are in free state. लेकिन कुछ subatomic particles होते हैं unstable, जैसे positron, neutrino, mesons. ये सब क्या होते हैं, unstable atomic subatomic particles हैं, क्योंकि ये तुरंत चेंज हो जाते हैं. ये स्टेबल, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो इनके बारे में आप लोग रेडियो एक्टिविटी में फिजिक्स में पढ़ोगे, बट फिलहाल आप केमिस्ट्री में स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़िए. अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमको पता चलता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करना. हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड. तो देखो इलेक्ट्रॉन्स वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन इन 1897. Electrons were first discovered by J.J. Thomson in 1897. Okay, now coming to the cathode rays. Because electrons are discovered while studying cathode rays. Electrons कब discover किए गए, जब cathode rays की discovery की जा रही थी. तो सवाल उठता है कि ये cathode rays होती क्या है, ये cathode rays होती क्या है. तो देखो जे.जे. थॉमसन ने क्या किया था, एक ग्लास ट्यूब लिया था. ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब लिया है, ठीक है. इसमें इन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया. यहां से पंप से क्या किया, इस वैक्यूम पंप से गैस निकाल दी, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, क्रिएट एक वैक्यूम क्रिएट हो गया. अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर कोई सोडियम वेपर्स मान लो भर दिया. मान लो इसके अंदर क्या कर दिया, सोडियम के वेपर्स भर दिया. अब जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, हाई वोल्टेज, तो ये सोडियम का जो वेपर था ये आयोनाइज हो गया. आयोनाइज हो गया तो क्या बनाया, एक कैटायन बनाया और एक इलेक्ट्रॉन निकला. अब देखो कैटायन जो सोडियम प्लस चार्ज है, इन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये एनोड की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को क्या बोला जाता है, एनोड. तो इलेक्ट्रॉन्स जितने थे वो सारे इधर मूव करने लगे. इलेक्ट्रॉन्स जितने थे वो सारे इधर एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिए. लेकिन जो ये सोडियम आयन था ये किधर मूव करने लगा, सोडियम आयन जो था ये आपका मूव करना शुरू किया कैथोड की तरफ.
और चूंकि सोडियम आयन के पास मास है, सोडियम आयन के पास मास है क्योंकि इसके में न्यूक्लियस भी एडेड है, बस इलेक्ट्रॉन एक रिलीज हुआ है, इट मींस इट इज हैविंग सम मास। तो ये जब सोडियम आयन किस वेलोसिटी से जाकर कैथोड से टकराए, जब ये जाकर यहाँ पर कैथोड से टकराए तो अपनी कुछ एनर्जीज को कैथोड को ट्रांसफर कर दिया, अपनी कुछ एनर्जीज को इन लोगों ने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन ने कैथोड को ट्रांसफर कर दिया। एंड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ दिस एनर्जी टू कैथोड, कैथोड प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये देखो कैथोड प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये भी किधर मूव करना शुरू कर दिए, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ, और एक ग्लो प्रेजेंट हुई, एक तरह की ग्लो उत्पन्न हुई कैथोड रेस ट्यूब में, क्या हुआ, एक लाइट उत्पन्न हुई, जिस क्योंकि कैथोड रेस ट्यूब को जनरली चारों तरफ से जिंक सल्फाइड के लेयर से लगा दिया जाता है, जिंक सल्फाइड पाउडर का एक लेयर लगा दिया जाता है, तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो ये फ्लोरेसेंट होता है, फ्लोरेसेंस ही जनरेट करता है, ये ग्लो करता है, ये क्या करता है, ग्लो करता है। तो ग्लो पैदा हुई, तो इस आधार पर जे.जे. थॉम्सन ने बताया कि ये ग्लो एक तरह की रेज से है, ये ग्लो किसकी वजह से, एक तरह की रेज से है जो कि हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, और इसका नाम क्या दिया उन्होंने, कैथोड रेज। तो ये देखिए आपका फिगर अवेलेबल है कैथोड रेज ट्यूब का, दिस फिगर इज अवेलेबल फॉर कैथोड रेज ट्यूब। Okay, so in this way, by this way, you will be able to explain how cathode rays are formed. किसी को इस स्लाइड में डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है इस स्लाइड में? चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब सवाल उठता, एक हम आपको GIF दिखा रहे हैं, ये देखो, इसमें देखो आपका हमारा कर्सर दिख रहा होगा सबको, ये देखो आपका है कैथोड, ये है आपका क्या, कैथोड है, हाँ सॉरी एनोड है, और ये क्या है, ग्रीन कलर कैथोड है। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहा है और ये जब जाके ये पॉजिटिवली चार्ज से टकरा रहा है तो क्या बन रहा है, आपका ग्लो प्रेजेंट हो रही है। तो इस तरह की ग्लो की वजह से ये पूरी कैथोड रे ट्यूब जो होती है ये ग्लो करने लगती है। सेम आपके पुराने जमाने में घरों में ट्यूबलाइट यूज हुआ करती थी, पुराने जमाने में आपके घरों में ट्यूबलाइट यूज होती थी, तो ट्यूबलाइट भी एक टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब ही होता है, वो क्या होता है, एक तरह का डिस्चार्ज ट्यूब होता है, उसमें यही फिनोमेना लगाया जाता है, उसमें देखे होंगे कि वो एक बार में नहीं जलती थी, आजकल तो LED है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तुरंत जल गया, बट पुराने जमाने की जो ट्यूब लाइट होती थी उसको जलाते थे तो थोड़ा लप लप करती थी, उसके बाद वो जलना शुरू होती थी, क्यों, क्योंकि इनिशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं होते थे, इतने नहीं होते थे कि वो कंप्लीटली ग्लो करे, जब धीरे धीरे सफिशियंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो या तीन एक दो सेकेंड में मिल जाते थे तो वो क्या करता था, कंप्लीटली ग्लो करना शुरू कर देता था, क्लियर। तो ये है आपका, इस तरह से कैथोड रेस काम करती है। अब आप सवाल उठता है कि इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि कैथोड रेस हमेशा सीधी लाइन में चलती है, दे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेस ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मेटेरियल कंपोजिशन ऑफ कैथोड, ये कैथोड किस मेटेरियल का बना हुआ इस पर डिपेंड नहीं करता, कैटायन टकराएगा कैथोड पर और क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे डिपेंड नहीं करता कि कैथोड किसका बना हुआ है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये एक कैथोड रेज जा रही है, एक कैथोड रेज ये जा रही है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो देखोगे कि ये कैथोड रेज जो होती है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, तो देर आर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट। इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज जिस पार्टिकल की बनी होती है वो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं वो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर मिल गया कि कैथोड रेज जो होती हैं ये
चार्ज्ड पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं, और ये चार्ज्ड पार्टिकल क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। नेक्स्ट, जेजे थॉम्सन ने चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ कैथोड रेस का निकाला, E by M वैल्यू कैथोड रेस की निकाली यूजिंग डिफ्लेक्शन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मतलब कैथोड रेस को डिफ्लेक्ट कराया, ठीक है, और ये पता किया कि E by M की वैल्यू क्या होती है, तो वो क्या होती है, -1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, ये वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, क्यों, क्योंकि कैथोड रेज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की ही बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। ये दोनों फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए E by M वैल्यू ऑफ कैथोड रेज हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। और कैथोड रेज के E by M वैल्यू को डिस्कवर कैसे किया गया, इसको खोजा गया है, जे जे थॉम्सन ने निकाला था ये वैल्यू, और इन्होंने यूज किया था डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको नीट में और जेई में बहुत सवाल मिलेंगे इस प्रॉपर्टी पे, ये वैल्यू आपको याद रखना, यू वैल्यू यू हैव टू रिमेम्बर। द कैथोड रे पार्टिकल टर्न्ड आउट टू बी 2000 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के एक एटम के मास से 2000 गुना हल्का होता है। अब यहां पर देखो, हम लोग को E by M वैल्यू कैथोड रेस की खोज के लिए जेजे थॉम्सन ने, बट अभी भी हम लोग को कैथोड रेस के में जो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके चार्ज के बारे में अभी नहीं पता है। E by M की वैल्यू सबसे पहले खोजी गई थी, उसके बाद खोजी गई थी चार्ज की वैल्यू, और उसके बाद खोजी गई थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा ये क्रोनोलॉजी है जिसको आप याद रखिएगा, सबसे पहले ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मास की खोज पहले की गई उससे E by M निकाला गया, सबसे पहले जेजे थॉम्सन ने E by M की वैल्यू निकाल के बता दी थी। फिर मिलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाला गया और फिर मास को निकाला गया था। तो अब देखते हैं कि रॉबर्ट मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था क्या, रॉबर्ट मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था क्या। तो यहां पर देखो लिखा है कि 1909 में अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे, फिजिक्स के थे ये, रॉबर्ट मिलिकन ने मेजर किया था द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग निगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स। उन्होंने क्या बताया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602, यहाँ पे मैंने -1.602 तक होता है, अगर तीन प्लेस तक आपको जानना है, (10⁻-19 कूलॉम। उन्होंने इसको निकालने के लिए क्या यूज किया था, ये इस एक्सपेरिमेंट का यूज किया था। तो आप देखो, हम इस वीडियो को ऑन कर रहे हैं, मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, शेयर फिर से शेयर कर रहा हूँ, सो दैट एवरीवन मस्ट बी एबल टू वॉच। Now I am watching this video, playing this video. Please go through this video and see how it happens. In a series of experiments carried out between 1908 and 1917, R.A. Millikan succeeded in measuring the charge of the electron with great precision. In his experiment, a fine mist of oil was sprayed into the upper chamber with an atomizer. Some of the tiny oil droplets fell through the hole in the upper floor, and Millikan was able to determine the mass of an oil drop from its terminal velocity. Next, Millikan used an X-ray source to ionize gas molecules in the chamber. Electrons from this ionization process adhered to the oil droplets. The oil droplets now carry a negative charge. The negatively charged oil droplets can be halted by adjusting the voltage across the two plates. As the voltage across the plates is increased, the velocity of the oil drops slows. As the voltage is increased further, some drops will begin to move upward toward the positive plate. If the voltage is set just right, an oil drop can be suspended. When an oil drop is suspended, its weight, mass times acceleration due to gravity, is exactly counterbalanced by the electric force applied. The electric force applied equals the applied electric field, E, times the charge on the drop, Q.
Since the mass of the oil drop, the acceleration due to gravity, and the applied electric field are known, Millikan could solve for Q, which is the charge on the drop. Millikan found that droplets had different charges, but each was a whole number multiple of a smaller charge, equal to negative 1.60 times 10 to the negative 19th coulombs. Millikan concluded that this was the fundamental unit of charge, the charge of an electron. From the charge of an electron and the charge to mass ratio of an electron determined by Thomson using a cathode ray tube, Millikan was able to calculate the mass of an electron. The mass of an electron, 9.10 times 10 to the negative 28th grams, is an exceedingly small mass. तो आप यहाँ पर देखो कि जब charged oil drop नीचे आ रही थी, तो नीचे की तरफ उनका gravity की वजह से force m into g लग रहा था, और ऊपर जो हम लोग electric field apply किए हैं दोनों plate के ऊपर, q into e वो force होता है, और इसकी direction हमेशा negative to positive है, तो ऊपर की तरफ q into e लग रहा था। तो जब ये दोनों, जब कोई oil drop कांस्टेंट हो गई, मूवमेंट रुक गया प्लेट के बीच में, इसका मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा और कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो चुके हैं। तो हमने q into e is equal to m into g का यूज करके मास कितना निकाला, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना निकाला, 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। और उस इस फॉर्मूले का q into e is equal to m into g से इन्होंने मास को भी कैलकुलेट किया, लेकिन मास अदर वेज से भी कैलकुलेट किया गया। जैसे जब हम लोग को चार्ज के बारे में पता चल गया तो वी नो ई बाई एम वैल्यू, वी नो ई बाई एम वैल्यू, तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की पता हो गया, तो हम लोग मास भी निकाल लिए। ठीक है, हम लोग यहां से मास भी निकाल लिए। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, थोड़ा सा बच्चा है इसको देख लो। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? चलो अभी कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कोई क्वेश्चन नहीं, तो चलो अगला सोचो। सुनो, अब यहां पर देखो प्रूफ हो गया है कि कैथोड रेज किससे मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से। नाउ इट इज प्रूव्ड दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है आपका, the charge on the electron is minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. ठीक है, ये वैल्यू आपको अब पता हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें और जानने की जरूरत है, जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखिएगा। पहला था, हमने बताया कि 2000 टाइम्स लाइटर होता है हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन। तो जनरली आप याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम लोग जनरली प्रोटॉन भी बोल देते हैं, क्योंकि दोनों एक हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन को लगभग एनालॉग माना जाता है। तो 2000 के अप्रोक्सीमेटली होता है, और एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो कितना लिखोगे, 1837वां पार्ट होता है। कितना होता है, 1837 पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, ठीक है, तो सबसे पहले जो नाम इलेक्ट्रॉन्स का जो नॉमेनक्लेचर था, जो जेजे थॉमसन ने इसको निगेट्रॉन बोला था, निगेट्रॉन्स बोला था, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था, इसको इन्होंने निगेट्रॉन्स बोला था, क्योंकि निगेट्रॉन्स का मतलब होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लेकिन स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम रखा था इलेक्ट्रॉन। तो आपको इस तरह के सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आप सॉल्व कर लेना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो जे.जे. थॉमसन ने रखी थी, लेकिन और चार्ज किसने निकाला था, रॉबर्ट मिलिकन ने निकाला था, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में 0.000548 एएमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट। आपको पता है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है साक्षी, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? साक्षी प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट।
Who can tell me the atomic mass unit? Preeti? Preeti, what is atomic mass unit? Sir, atomic mass unit is the 1/12 part of mass of one carbon atom. Yes. तो यहाँ पर जो होता है आपका हाइड्रो, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करोगे तो कितना आएगा? 0.000548 amu आएगा. क्लियर? इसी तरह से आपको चार्ज जो होता है 4.8 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, ये वैल्यू आप याद रखना, क्योंकि जो अभी आपके जो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे उसमें अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो उसमें चारों ऑप्शन में 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम नहीं रहेगा, क्योंकि ये सबको पता है ये वैल्यू. तो आपको इस यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ये वैल्यू कितनी होती है वो भी आपको याद रखना होगा, −4.8 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ये सब वैल्यू लिख लो और याद रखना. दूसरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में आता है तो वहां पर 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम नहीं रहेगा, क्योंकि ये सभी को पता है, यू मस्ट नो इट्स वैल्यू इन amu, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.000548 amu, दैट विल बी इक्वल टू 0.000548 amu. नेक्स्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1837वां पार्ट होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के. अब सवाल ये उठता है कि प्रोटॉन क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं?